गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, लास्ट क्लास आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना सिखाया गया था, राइट। अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। एक और तरीका होता है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए, वो किससे हम निकालते हैं? कम्बस्टन डेटा। कम्बस्टन क्या होता है? हाँ, केमिस्ट्री के टर्म में कम्बस्टन किसको? बर्निंग को बोली जाती है, यानी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाती है, राइट। आपको एक चीज़ याद रखना है, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को बर्न कराया जाता है, हमेशा हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स वही होते हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जब बर्न करेंगे तो आपको भी वापस से क्या मिलेगा? फिर वही ऑक्सीजन, फिर वही हाइड्रोजन मिलते हैं, सही है। तो देखिए, हम इसको थोड़ी सी सावधानी से आप सीखने की कोशिश करिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट इतना ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए देखते हैं। तो हेडिंग है आज की, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला फ्रॉम कम्बस्टन डेटा। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमसे कह दिया गया, बताइए कि फ्रॉम द कम्बस्टन ऑफ ग्लूकोज फाइंड आउट द डिटेल्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम ग्लूकोज को बर्न करते हैं तो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, कितने मोल्स वाटर मिलेंगे, अगर ये सब हमें दे देता कैलकुलेट करने के लिए, तो हम कैसे करेंगे? एक्चुअली हमें ये याद नहीं करना है, हमें एक यहाँ से रिलेशन बनाना सीखना है, क्योंकि वो रिलेशन हर एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के लिए ट्रू होगा। तो आइए देखते हैं कैसे। पहला काम आपको क्या होता है, पर अपने गिवन रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखिए। ग्लूकोज की बर्निंग दिया था, यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इतना क्लियर है। जब भी बर्निंग देगा आप ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि ग्लूकोज देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। जब भी आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे, जैसे हाइड्रोकार्बन बर्न करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन मिलता है, उसी तरह से जब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे, यानी कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होगा, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। तो आइए देखते। तो पहला काम आप रिएक्शन लिखिए, दूसरा काम इसको बैलेंस करिए। तो बैलेंसिंग आपको टेंथ में आती है, ये बैलेंस करके लिखा हुआ है, आप बैलेंस कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ से हम काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालेंगे। ध्यान रहे, आपको कोई डेटा याद नहीं रखना है, आपको रिलेशन निकालना है। ये देखिए, यहाँ से जब आप इसको बैलेंस कर देंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये बैलेंस होने के बाद ये दिखेगा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आगे देखिए, अगर हम यहाँ से, क्योंकि हमें बार बार किसी जरूरत पड़ेगी कार्बन और हाइड्रोजन की, तो हम उसके लिए कैलकुलेट करेंगे एक रिलेशन। देखिए, यहाँ से कितने मोल कार्बन है आपके पास? ध्यान रहे, हम किसकी बात करेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन की। तो यहाँ कितना मोल कार्बन है आपके पास? 6 मोल कार्बन होगा। कैसे पता चला? एक मोल मॉलिक्यूल लेंगे तो एक मॉलिक्यूल में 6 एटम हैं, तो टोटल कार्बन एटम कितने हो गए? 6 मोल। पास में आइए, हम मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहे हैं, हम क्या पूछे हैं? कार्बन एटम्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इज 6। तो हमने लिखा कि 6 मोल कार्बन एटम्स हमें कितना देते हैं? 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। देखिए, सही है कि नहीं? एक बात और, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिया है, राइट, और यहाँ पर हमने 6 मोल कार्बन एटम्स लिया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? चले, ये तो बात रही इसकी। तो यहाँ से आपको एक छोटा सा रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया? जितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ही मोल क्या होता है आपका? कार्बन भी होता है। बात समझ आ गई? यानी अगर आपसे कभी कोई पूछ रहे, बताइए इन द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर हम आपको बोल दें उसमें 10 मोल कार्बन एटम को बर्न कराया जा रहा है, तो बताइए कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगा। क्लियर है? यानी कि मोल्स ऑफ कार्बन NC, इट मीन्स मोल्स ऑफ कार्बन एटम विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये रिलेशन आपको समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, 6 मोल कार्बन एटम 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे, यानी कि 10 मोल अगर कार्बन एटम होता, हाँ, तो हमें कितना गैस मिलता? 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखिए, दूसरा रिलेशन किस लिए हम डिराइव करते हैं? ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन को पकड़ते हैं, कितना? 6, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, नहीं, दूसरा हाइड्रोजन चाहिए ना हमें,
कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए, तो कार्बन का रिलेशन तो हमने बना दिया, हाइड्रोजन देखते हैं। बताइए 12 एटम्स हैं तो कितने एटम्स हो गए टोटल एक मोल में, 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 12 मोल, अभी नीचे लिखा हुआ है आपको परेशान नहीं होना, बस देखते रहिए, 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स। देखिए कितना वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा आपको, वाटर मॉलिक्यूल कितना मिलेगा 6 मोल, सो इट विल गिव्स अस 6 मोल H2O लिक्विड। यहाँ से बात समझ में आ रही है, देखिए कितना मोल है ये 12 मोल है ना, इसको अच्छे से लिख लीजिए, यहाँ पर 12 मोल जब हाइड्रोजन होगा तो आपको 6 मोल वाटर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें ये बताइए, अगर आपको मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं NH2O तो दोनों को इक्वल करना होगा, ठीक है, ये 12 है ये 6 है, दोनों इक्वल कब होंगे, हाँ जब यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ भी 6 था यहाँ भी 6 था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सही है। यहाँ देखिए यहाँ पर मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 12 हैं लेकिन मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना है 6 है, हमें दोनों को इक्वल करना होगा, यानी कि यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बात मेरी कुछ समझ में आ रही है आपको, कोई डाउट है नहीं, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं NH2O, नहीं आप NH2O मत लिखिए, आप क्या लिखिए हाइड्रोजन एटम्स लिखिए, ऐसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ वाटर। बोलिए लिख सकते हैं या नहीं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ 12 है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं 6 है ना, तो 6 भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये दोनों इक्वल हो जाए 12 2 से, तो जो मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा वो मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आएगा। अब हम आपके सामने एक फॉर्मूला लिखते हैं छोटा सा, और आप वैल्यू देख के हमें कैलकुलेट करके बताएंगे। याद आया ये फॉर्मूला किसका है, हाँ शुगर का। अब हमें ये बताइए इस फॉर्मूले को देख के आप बता सकते हैं कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब जब हम इसकी बर्निंग कराएंगे तो कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कितना मोल वाटर आपको मिलेगा। ये लिक्विड लिख रहे हैं हम क्योंकि रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की बात होती तो ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको, फिर वेपर के फॉर्म में, तो वो हमारे लिए मुद्दा नहीं है। चलिए देखिए, तो बस हमने अभी क्या सीखा है, मोल ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कार्बन एटम्स के मोल निकाल लीजिए। देखिए कितने मोल कार्बन एटम होंगे इसमें 12, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितने मोल मिलेंगे 12 मोल मिलेंगे, सिंपल। हाँ सच में इतना सिंपल होता, लेकिन कॉन्सेप्ट माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और पता है कन्फ्यूजन कहाँ होगी आपको, अभी जो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ट्वाइस द मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, वो पता नहीं क्यों इस 2 को यहाँ लिखते हैं, ये मिस्टेक आपको नहीं करना। अभी हमने देखा था ना 12 मोल हाइड्रोजन एटम था तो हमें कितना मिल रहा था 6 मोल वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा था, ठीक है। तो देखिए हमें किधर मल्टीप्लाई करके इक्वल करना होगा, इधर मल्टीप्लाई करना होगा ना 2 से, तो हमेशा मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है ट्वाइस द मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो बताइए यहाँ पर हमें वाटर मॉलिक्यूल का निकालना है मोल्स, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है 22 है ना, देखिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है ट्वाइस द मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अगर हमें मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालना होगा तो हम इधर लेके आएंगे 2 को, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 22 है तो बताइए ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। बात समझ में आई मेरी, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, तो बस ये था इसका एप्लीकेशन, आपको ये यूज करने आना चाहिए। आइए देखते हैं यही चीज़ जो आपने समझा इसको हम नोट करा देते हैं आपको अच्छे से, तो ये तो यहाँ तक तो आपने नोट कर ही लिया है, इसके आगे देखिए आगे क्या दिया है, 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स गिव्स अस 6 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऊपर वाले इक्वेशन से देखिए 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं और हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिल रहा है ना 6 मोल्स। अब देखिए
इनको कैंसिल करेंगे तो ये वन टाइम, ये टू टाइम, सिक्स के टेबल में हो जाएगा। यहाँ टू है, यहाँ वन है, तो बताइए किधर मल्टीप्लाई करना होगा? हाँ, यहाँ टू से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा रिलेशन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टू मोल हाइड्रोजन एटम्स इक्वल टू वन मोल ऑफ H2O, इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई टू कर देंगे, यानी कि हमारा रिलेशन क्या आ गया, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू टू टाइम्स द मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखिए ये यहाँ पे मिसिंग है, देखिए ध्यान से, ये वन बाई टू होगा। कैसे? अगर आपसे पूछा नहीं भाई, आप हमें बताइए क्या मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करिए, इस वन बाई टू उठा के इधर लेके आइए, लेके आएंगे तो इधर टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमेशा जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा वो मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का आधा होगा। पास में आ गई, यानी कि अगर आपको 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलता है बर्निंग के बाद, तो उसमें कितने एटम्स होंगे? हाँ, तो 5 एटम्स हाइड्रोजन के होंगे। तो आप इसको ना ऐसे ना याद रखिए, ऐसे याद रखेंगे तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगा, तो आप इसको कट करिए, आप ये मत लिखिए, आप ये लिखिए रिलेशन, आपको ये आसान रहेगा याद करना। तो आप इसको छोड़ दिएगा, आप इस फॉर्म में याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 होगा, पहली बात तो यहाँ पे 1/1 रहना चाहिए, वो छूट गया है, और 1/2 याद करना आपके लिए टफ हो जाएगा, तो आप ये याद रखेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू टू टाइम्स द मोल्स ऑफ वाटर। अगर मोल्स ऑफ वाटर दिया है तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, टू को इधर लेके आएंगे डिवाइड में हो जाता है, होगा कि नहीं हुआ? देखिए अगर H2 को यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो अपॉन टू हो जाएगा। देखिए यही चीज़ यहाँ दिया है, मोल्स ऑफ H2O इज हाफ ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो खैर आपको ऐसे नहीं, आपको ऐसे याद रखना है, कर सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे वो चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है, ये 1/2 रहेगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टू टाइम्स मोल्स ऑफ वाटर, एंड मोल्स ऑफ कार्बन एटम इज मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, टू बी रिमेम्बर्ड, ये आपको याद होना चाहिए। हाँ अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप देख के बता सकते हैं, अदरवाइज आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो सबको याद हो भी गया होगा, दिक्कत यहीं आती है। तो आपको हमेशा याद रखिए, आप क्या करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन का एक आइटम है, यहाँ दो है, तो आप यहाँ दो से मल्टीप्लाई करते हैं, यही मिस्टेक हुई। आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है तो इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर वैल्यू मिलेगी। कर सकते हैं, तो चलिए अपने क्वेश्चन पर अब डिस्कस करते हैं आज। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कम्बस्टन ऑफ 80 ग्राम मीथेन गैस। देखिए क्या दिया, 80 ग्राम मीथेन गैस दिया है, तो पहले हम क्या निकाल लें, मोल्स ऑफ मीथेन गैस निकाल लें। तो देखिए मोल्स ऑफ मीथेन गैस क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 80 ग्राम, अपॉन मोलर मास किसका, जिसका मोल्स निकाल रहे हैं, यानी कि CH4 का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, मतलब 4 एटम्स है, इसलिए 12 × 4 = 16 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 16, वैल्यू कितना गया 5 मोल्स। यानी हमारे पास क्या है, 5 मोल्स CH4 गैस है। तो बस अब आप इक्वेशन बना लीजिए, 5 मोल्स CH4 गैस रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस। चलिए हम लिख देते हैं आपको फिर से, 5 मोल्स CH4 गैस कंबस्टन है, तो बताइए यहाँ पे O2 रहेगा ही रहेगा, क्या मिलेगा, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये गैस और ये लिक्विड। देखिए बैलेंस कर लीजिए, 5 कार्बन है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 5 × 8 = 20 है ना, हाँ 5 × 4 = 20, ये 2 है, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कार्बन हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 10, यहाँ भी 10, यानी कि 20, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया। बस हमसे क्या पूछा गया, देखिए पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट का मतलब मास पूछ रहा है, किसका, वाटर का। तो हम पहले मोल्स ऑफ वाटर निकाल लें, तो देखिए मोल्स ऑफ वाटर H2O निकालने के लिए हमने अभी रिलेशन देखा था क्या है, हाँ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोल्स ऑफ वाटर, होता है ना। तो देखिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इसमें दिया है ना, कितना मोल हो गया, 4, 5 जा 20, तो ये हो गया 20, ये हो गया 2 टाइम्स मोल्स ऑफ वाटर। हमें मोल्स ऑफ वाटर चाहिए तो इस 2 को इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 20/2 यानी कि 10। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया आपका 10 मोल्स। लेकिन हमसे मोल्स नहीं पूछा, हमसे अमाउंट पूछा, अमाउंट का मतलब मास। तो अगर आपको मोल्स मालूम चल गया तो बताइए मास निकाल लेंगे, हाँ एन इज इक्वल टू गिवेन मास। अच्छा मोल से जब मास बनाना है तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, कितना 10 इंटू वाटर का मोलर मास देखिए 16 × 2 = 18, मल्टीप्लाई कर दिए देखिए आ जाएगा 180 ग्राम। यानी कि जब आप 80 ग्राम सिर्फ 80 ग्राम मीथेन गैस जलाते हैं तो वहाँ से आपको 180 ग्राम वाटर मिलता है। ऐसे आपसे अगर पूछ लेता बताइए कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, सिंपल था, आप लिख लेते मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए क्या था वहाँ पे 5CH4 लिखे थे ना हम, देख कितना कार्बन मोल होगा 5 मोल, तो देखिए मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना हो गया 5 मोल, क्योंकि अमाउंट पूछता अगर हमसे तो इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते, सो 5 × कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 12 × 32 = 44 × 5 सॉल्व कर देंगे ये आ जाएगा 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि 80 ग्राम मीथेन बर्न करने पे 180 ग्राम वाटर और 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये हमसे पूछा नहीं गया था खैर, लेकिन हाँ आप इसको भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, चले आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो इक्वेशन लिख लिया गया है, फिर इक्वेशन लिखने के बाद इसको बैलेंस किया गया है, ठीक है। हमें कितना मिला 10 मोल वाटर मिला। अच्छा अब चाहे ना तब डायरेक्ट भी इसको बैलेंस करेंगे तो भी आपको ये देखने को यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट मिल जाता या नहीं। हाँ देखिए 10 मोल वाटर मिल रहा है। या फिर दूसरा तरीका जो भी हमने सीखा था पीछे कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 10 मोल ही आएगा। तो बस मोल्स मिल गया, मास निकालना है तो क्या होता है मोल इंटू मोलर मास, तो मोल 10 × मोलर मास ऑफ वाटर 18 मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया 180 ग्राम। तो आपके पास दोनों ही तरीके हैं, ये वाला ज़्यादा सिंपल पड़ता है क्योंकि बच्चे टेंथ में बैलेंसिंग वगैरह आप लोग सीख के आते हैं तो बस आप वहाँ से बैलेंस करके आंसर निकाल देते हैं। लेकिन जो भी आपको हमने सिखाया था रिलेशन वो बड़ी काम का है, वो आप यूज करने की आदत डालिए, आगे आपका काम बहुत ही तेज़ी से होगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास होमवर्क है, 2 क्वेश्चन होमवर्क है, आप दोनों करेंगे आराम से। आप दोनों ही तरीका यूज करिएगा, आपको दोनों ही आने चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए आ गया है। अच्छा पीछे के 2 क्वेश्चन होमवर्क के दोनों आंसर यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आपको ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में मिल ही जाता है पीडीएफ, वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.88 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबस्टन। लीजिए